बेसिक मुद्दा कोई भी सरकार नहीं उठा रही है, चाहे कोई भी बने, राहुल गांधी बने चाहे नरेंद्र मोदी बने, बेसिक मुद्दा नहीं आ रहा है। ऐसा आपको बता दे कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो बहुत आशा थी लोगों की कि ये होगा वो होगा। हम एक युवा है, युवा रोजगार से मतलब रखता है, उसका पेट भरना। युवा का पता है, IBM ने सर्वे किया, भारत के 70% युवा नौकरी करने के काबिल ही नहीं। देखिए ये किसकी देन है, देखिए ना ये आंकड़ा किसकी देन, ये आंकड़ा फ्रॉड 5 साल में नहीं। देखिए ये आंकड़ा पूरी तरह से फ्रॉड है, क्योंकि हम लोग जमीनी हकीकत देख रहे हैं, वहाँ जहाँ पढ़ते हैं वहाँ कितने बच्चे बेरोजगार हैं, कितने की नौकरी लगी है। में नकल होता था, बिहार में नकल होता था, नकल कर करके 12वीं के बच्चे 5 साल में बेरोजगारी हो इधर। हाँ मैं वही सवाल देखिए हम कह रहे थे कि कांग्रेस के समय में SSC CGL की 12,000 बहाली आती थी, ठीक है हम माने कि 12,000 मोदी जी आएंगे कुछ अच्छा करेंगे, 14,000 क्यों नहीं, 4,000 पर क्यों आ गई, ये बताइए। सरकारी नौकरियां नौकरियां होती है क्या, GDP ग्रोथ होती है सरकारी नौकरियों से, बच्चे उसी पर डिपेंड। एक्चुअल में यार उसी से आप GDP अपनी अर्थव्यवस्था डेवलप कर सकते हैं सरकार। पहले ये बताइए रोजगार होता है क्या, बेरोजगार कौन कौन है, मुझे यहाँ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी बेरोजगारी की बात कर रहे हो, आप बेरोजगार की बात, बेरोजगार होती क्या है, बेरोजगारी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन बताइए। आई जस्ट वांट टू नो द डेफिनेशन ऑफ बेरोजगारी। यही आपके लिए डेफिनेशन, अगर आप मोदी भक्त होंगे तो आपके लिए डेफिनेशन। मैं ना कांग्रेसी, मैं कांग्रेसी हूँ ना मैं BJP हूँ, पहले कंफर्म कर देता हूँ। हमारा यही एक मैं मेरे भाई रोजगार की, अगर किसी से रोजगार की डेफिनेशन पूछते हैं तो क्या वो मोदी भगत हो गया। सुनिए, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ रोजगार की डेफिनेशन क्या है। सुनिए सुनिए, अरे भाई रोजगार, मेरे भाई रोजगार की डेफिनेशन क्या होता है, नहीं 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 रोजगार होता क्या है यार, खुद कोई BJP नहीं, रोजगार होता क्या है पहले मेरे छोटे भाई वे बताता हूँ। सवाल सुन लो या बोल लो पहले सुनोगे या बोलोगे, बोलो रोजगार होता है क्या, बताओगे या मैं बताऊं। एक निश्चित समय के लिए कोई भी काम करे जिसका लागत माने कि उनको मूल्य आराम से मिलता जाए और वो अच्छे से अपना पेट पालन पोषण करते उसको रोजगार कहते हैं। रोजी रोटी रोजगार नहीं होता, 4,000 की नौकरियां बची है, रोजी रोजी रोटी चलाना ही रोजगार है। और ये आप भूल जाओ कि जो बंदा गवर्नमेंट जॉब पे है वो तो रोजगार है, जो प्राइवेट जॉब पे है वो रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। अरे यार सुन यार, आप कैसे नौकरी करोगे जब आप बॉस की नहीं सुनोगे, पहले भाई आप सुन लो या बोल लो, आप बोलोगे ऐसे नौकरी नहीं मिलती भाई। मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। रोजगार क्या होता है, अपनी जीवनी चलाने के लिए जो भी बंदा काम कर रहा है वो रोजगार है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे कोई ठेले पे काम करने वाला है, वो रोजगार है। पहली बात, सेकेंडरी जो आप रोजगार की बात कर रहे हो ना, स्टार्टअप इंडिया के बारे में सुना है कभी, नहीं सुना है, उसके बारे में पढ़ना। अगर आपके अंदर काबिलियत है ना जनधन योजना के अंतर्गत, आप कितना भी लोन ले सकते हो और अपना बिजनेस चला सकते हो। नौकर क्यों बन रहे हो यार, नौकर को अपने अंडर काम करवाओ ना, MD बनो, मैनेजर बनो, आप अपनी कंपनी बिल्डअप करो, खुद को आपको रोजगार, खुद को रोजगार मिला, 10 बंदे आपके अंडर काम करेंगे यार, आप रोजगार जनरेट करो, आप रोजगार मांग क्यों रहे हो, रोजगार जनरेट करो पहला। दूसरी बात, अरे यार अब सुन लो, आप ना सुन रहे ना बता रहे, बात पूरी रखूंगा, मैं भी रखूंगा आपकी भी। पहली बात, सेकेंडरी ठीक है, पूरे क्लियर होने चाहिए ना, बेरोजगार कोई नहीं है, जो बंदर काबिल नहीं है वो बेरोजगार है। पहले क्या होता था, घर बैठते थे, 2 नंबर के घपले होते थे, MLA MP रिश्वत लेते थे और उनको नौकरी पे लगवा देते थे, वो ना काबिल बंदे ना लायक ऊपर पोस्टों में भेजते थे। अभी भी क्या, अभी भी वो नालायक तो है, उनको आदत पड़ी हुई है, कैसे MLA को वोट दे दी, BJP को वोट दे दी, कांग्रेस को वोट दे दी, जो कह रहे थे मोदी भगत, आप सुन लो। पहले क्या होता था, BJP को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, वहां के MLA MP क्या करते थे, पैसे लेते थे और अपने बंदों को वर्करों को लगवाते थे। अब ये काम तो मोदी जी ने कर दिया बंद। अब परेशानी किसको है, जो नालायक था, जो आज तक बन चुका है, जो नालायक बन चुका है, अब काम तो करता नहीं वो, क्योंकि उसको हैबिट बन चुकी है यार, पढ़ता है नहीं कुछ, सिस्टम से भी बहुत दुखी हुई है सरकारी कर्मचारी। किस सिस्टम से क्यों है, मैं गवर्नमेंट से 10th 12th सब कुछ मैंने गवर्नमेंट से पास आउट हूँ। वहाँ पे क्या होता था, टीचर सुबह आता था, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई की बात बता रहा हूँ, सुबह आया साइन करे और घर भाग गया, पूरा दिन, पूरा हफ्ते में एक बार आया, पूरे पिछले 5-6 दिन की वो लगाए और भाग गया, पहला काम। सेकेंडरी, गवर्नमेंट हम किसी
किसी भी मान लो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाते थे वहाँ कोई नहीं सुनता था, डॉक्टर में जाते थे वहाँ कोई नहीं सुनता था। मैं हरियाणा से हूँ, कुरुक्षेत्र से हूँ भाई, अगर किसी को प्रॉब्लम आना कि बंदे को टारगेट करना जो करना कर लेना, लेकिन जो गवर्नमेंट की बात आप कर रहे हो ना, नहीं नहीं गवर्नमेंट जो आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो ना, जो आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो ना, मेरे कुरुक्षेत्र में आना हॉस्पिटल में जाना, मेरे कुरुक्षेत्र में आना हॉस्पिटल में जाना, वहाँ पे आपको डॉक्टर भी मिलेगा, किसी पुलिस स्टेशन में जाना वहाँ थाने में भी मिलेगा, ठीक है। आप पूछो, आप पूछो, यही मेरा ये कोई नहीं है कि रोजगार का डिफिनेशन क्या है, कैसा रोजगार को रोजगार सुनिए ना, रोजगार बात बुरा हुआ, हम पूरा बोल रहे, हमको बाकी चीजों से मतलब नहीं, हमको केवल एक बात कहना है कि जो 12,000 वैकेंसी आती थी वो 4,000 में सीमित क्यों हो गई, हमको इसका जवाब दीजिए, हमको फलाना से मतलब नहीं है, क्या रोजगार होता है क्या कुछ, हमको कुछ मतलब नहीं है।